जनवरी माह में जहां पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहनी चाहिए, खेतों में बारिश की नमी से फसलें लबालब हरी भरी होनी चाहिए, मगर इसे कुदरत का कहर कहें या फिर पर्यावरण की मार, यह गंभीर सवाल किसानों के सामने खड़ा हुआ है। बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग समेत पूरे उत्तराखंड में दिसंबर जनवरी के महीनों में एक भी बूंद बारिश नहीं होने से कृषकों की फसलें समेत बागवानी के पैदावार भी बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार ऐसा मौसम देखने को मिला है जहां जनवरी में पहाड़ियों पर बर्फ नजर आनी चाहिए थी, वहां धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। साथ ही पानी के जल स्रोत भी सूखने लगे हैं, इससे नहरों पर सिंचाई के लिए पानी भी नहीं आ रहा है। सारी फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मेरा जहाँ तक मानना है, सितंबर के बाद कोई रुद्रप्रयाग में ऐसी वर्षा नहीं हुई है, और उससे आने वाले समय में हमारे जितने भी उद्यान हैं या फलों के वृक्ष हैं, जैसे हमारे जो सेब भी है, कीवी है, आगे आड़ू है, इन पर विपरीत प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा। इससे हमारे जहाँ तक हो सकता है कि 30% के करीब जाके कहीं नुकसान न हो जाए, और यदि ये बारिश 10 या 15 दिन और नहीं होती है तो अत्यधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहे।